हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन की। आज सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश किया है, आद्रा नक्षत्र पे किया है और इस नक्षत्र पे राहु का नक्षत्र है तो इसलिए वो तो ठीक नहीं है, बट राशि वाइज क्योंकि मिथुन राशि में आए हैं और मिथुन और कन्या राशि ये बुध की होती है, जो सूर्य बुध अगर साथ में हो तो बुध आदित्य योग बनता है, इसलिए ये इसका राशि परिवर्तन बहुत अच्छे में माना जाएगा। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि सूर्य किन किन चीज़ों के लिए देखा जाता है और ये यहाँ पर एक माह के लिए रुकेंगे, 16 जुलाई को ये आगे कर्क राशि में जाए। अब ये किन किन चीज़ों के लिए, तो देखिए तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी तो फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती है सूर्य से जुड़े हुए। तो पहला, सबसे पहली चीज़ है हेल्थ। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो सूर्य को ज़रूर देखना होता है। जबकि अगर मेंटल की बात देखते हैं चंद्रमा को, तो यहाँ तो सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य का सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जितने भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करियर ये सारी चीज़ें सूर्य से जुड़ा हुआ है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैरिज, मैरिड लाइफ, ये सारे सूर्य से जुड़े हुए हैं और इन सब के ऊपर सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मा के जो भी हमारी उपलब्धि होती है रिलीजियस एरिया या अपने अंदर जो मनन करने की शक्ति एनर्जी, वो सारी सूर्य से जुड़ी हुई है। तो मेन तो ये है, बाकी तो अब देखिए सूर्य अगर बुध के साथ थोड़ा बहुत जुड़ जाते हैं तो वो स्किन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूर्य तो मेन प्लैनेट है, हम हैं ही सूर्य के कारण, सूर्य की रोशनी नहीं हो तो संसार ही नहीं है। तो इसलिए मेन जो मैंने आपको बताया वो है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके राशि परिवर्तन से जो हमारी 12 राशिज हैं उन पर किस विक्स पे क्या फर्क। देखिए सूर्य अपनी राशि से थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में और इलेवेंथ हाउस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है, और उसमें भी अपन और आगे बढ़ें तो थर्ड एंड इलेवेंथ हाउस में बेस्ट माना जाता है। सिक्स में फिर भी एक पोर्शन में अभी कवर करूंगा। तो थर्ड हाउस में ये आया है, वो आया है मेष राशि के। तो मेष राशि के लिए सूर्य ये बेस्ट पोजीशन में आया है। अभी इनके एडमिनिस्ट्रेटिवली इनका प्रमोशन हो सकता है, स्टेटस बढ़ सकता है, नेम फेम बढ़ सकता है, बहुत सी चीज़ें इनके उपलब्धि हो सकती है एंड इट्स ए वेरी वेरी फेवरेबल पोजीशन फॉर द एरीज मेष राशि वालों के लिए। फिर उसके बाद में जो दूसरा बेस्ट आया है वो आया है, मैंने कहा कि भाई इलेवंथ में जाएंगे अपन सीधा, तो ये सिंह राशि वालों के लिए इलेवंथ हाउस में है। इलेवंथ हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट और क्योंकि सूर्य है तो इनकी फिर वही वहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा इनका कोई प्रॉफिट हो सकता है, मनी गेन हो सकता है, नेम फेम में फिर ये प्रॉफिट हो सकता है और इनकी प्रसिद्धि में बहुत फर्क पड़ सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि इलेवंथ हाउस है तो वो इलेवंथ हाउस के कारण इनके जितने भी कैरियर जॉब बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी एवेन्यूज हैं, जितने भी सोच रहे हैं या जितने भी प्लानिंग है, वो सब अभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं इस एक महीने के अंदर अंदर, इन विद इन दिस मंथ। तो इस तरीके से ये उनके सेकेंड। अब जो मैं मिक्स में भी ले सकता हूँ और अच्छे में भी ले सकता हूँ कि सिक्स्थ हाउस में सूर्य किन के लिए है, मकर राशि वालों। तो देखिए सिक्स्थ हाउस में सूर्य होने से एक योग बनता है, अपने आप मर जाएंगे जो इनके जो दुश्मन होंगे ना, शत्रुहंता, मतलब अभी इनके जिनसे भी किसी से फाइट चल रही है, या मैं नहीं कहूँगा कि फाइट चला है, बट जिन किसी से भी डिस्कम्फर्ट है, इन केस इफ दे है फाइटिंग द कोर्ट केस, ये सब चीज़ों में अभी अगर वो लगेंगे परसू करेंगे, उनको निश्चित रूप से विक्ट्री या जिसको अपन सफलता की बात करें। इसका मिक्स मैंने इसलिए लिया कि एक हल्का सा एक पॉइंट है,
सिक्स हाउस में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्थ पे असर जरूर आता है, थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्थ पे। तो उनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बट अदरवाइज उनकी बहुत अच्छा पीरियड है उनकी। तो मेन तो ये है। फिर एक जिसको अपन फिर मिक्स में ले सकते हैं और अच्छे में भी ले सकते हैं, वो है कि जब जिनके टेंथ हाउस में आया है, मैंने पहले कहा है इलेवेंथ हाउस में बेस्ट है, बट अब ये टेंथ हाउस में जिनके आया है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि का तो मैंने शुरू से ही कहा है कि मिथुन और कन्या के बुध मालिक होते हैं, जिसमें मिथुन पे ये सूर्य का परिवर्तन हुआ है, मिथुन बुध की राशि है उस पे। तो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर, जैसे मैंने इलेवंथ हाउस पे भी कैरियर की बात की, थर्ड हाउस पे भी कही, पर यहाँ पर डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ जैसे अनएम्प्लॉयड हैं या जिनका अभी प्रमोशन ड्यू है या जो अपना कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई और अपने एसेट्स खड़ा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खड़ी करनी चाहते हैं, उन सब के लिए ये फायदे में रहेगा। तो कन्या राशि। अब आता है दूसरों में अपन क्यों जाए, बाकी सब दूसरों के ठीक ही है, जिनको उपाय करने चाहिए। देखिए मेरे से जो जुड़े हुए हैं उनको ये पता है, मेरे यहाँ पर वर्किंग में दो मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग, वन इज 101% कॉन्फिडेंशियलिटी रखता हूँ मैं जब भी कोई बात होती है, और उन सब में कमिटमेंट किन से, करणी माता से। हमारा जो संस्थान है श्री करणी ज्योतिष एंड वास्तु शोध संस्थान, करणी माता के नाम पे है, तो वहाँ वो कमिटमेंट है। दूसरा है कि मैं नेगेटिव चीज़ नहीं बता के उपाय बताता हूँ। नेगेटिव तो हर एक की राशि में होता है, हर एक की कुंडली में होता है, पर यहाँ जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य की राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो मैं जिनके लिए रेमेडीज रिकमेंड करूँगा वो राशियाँ हैं। सबसे पहले जो मैं ग्रेविटी और इंटेंसिटी वाइज बोलूँगा, सबसे ज़्यादा जिसको उपायों की जरूरत है वो है वृश्चिक या स्कॉर्पियंस। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको करना चाहिए फॉर हैविंग गुड हेल्थ, फॉर हैविंग गुड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और वर्किंग, फॉर हैविंग गुड मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स, बट उनके सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए है कि उनको रेमेडी करनी। अभी बताता हूँ जनरल रेमेडीज क्या है। नाउ द नंबर टू वो है कर्क राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों के तो उनकी चंद्रमा से, उनकी राशि से एट्थ हाउस में चला गया है सूर्य। कर्क वालों के ट्वेल्थ हाउस में है, विच इज़ ए हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस और वेस्टलेस एक्सपेंडिचर। ये इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा मतलब खर्चा करवाता है, उसमें शरीर का भी खर्चा हो सकता है, पैसे का भी खर्चा हो सकता है, अपने शादीशुदा रिलेशनशिप के भी खर्चे, मतलब जो डिस्कम्फर्ट हो सकता है मैरिड लाइफ में, तो वो है कर्क राशि वालों के लिए। तो पहले वृश्चिक, फिर कर, और एक जिसको मैंने कॉमन में लिया वो है मकर राशि। तो इन लोगों को रेमेडीज करनी चाहिए। बाकी दूसरों को, अगर आप जनरल वे में सूर्य को अच्छा सुधार के चलते हैं, तो हम तो पूरब देश के वासी हैं, हालांकि ये तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो सारे वर्ल्ड ओवर के लिए है, बट यू सी हमें तो सूर्य का करना ही चाहिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले सूर्य का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है सूर्य को अर्घ देना या जल चढ़ाना, और बड़ा सिंपल है। उसमें जल लीजिए, थोड़ा चावल मिला दीजिए, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा कुमकुम या कोई भी रेड कलर, या जो अपने जैसे डार्क गुलाब के फूल, या कोई भी जो पिंकिश रेड या रेड, ये ऐसे कलर के पुष्प फ्लावर्स भी अपन उसमें डाल सकते हैं। और ये अगर हो सके तो कॉपर का कोई बर्तन हो उसमें लें, चाहे छोटा जो भी पॉट हो उससे लें और सूर्य को चढ़ाएं, और दिन को 12 बजे से पहले ज़रूर चढ़ा दें। ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो फर्स्ट ब्रह्म मुहूर्त में 90 मिनट्स होते हैं नॉर्मली, 4:30 AM to 6 वाला पीरियड होता, बट उसमें नॉर्मली लोग बाग बहुत मुश्किल होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो मुश्किल है। तो
मैं तो ये कंसेप्ट में चलता हूँ कि फुल जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो 12 बजे होती है, 12 बजे से पहले जरूर जरूर चढ़ा देना चाहिए। वो चढ़ाएं साइड में, अपने हाथ में गुड़ रखिए, ये अर्घ देने के बाद में गुड़ भी चढ़ाइए। 3 बार परिक्रमा कीजिए वहीं पे खड़े होके, जैसे ऐसे करके, और आप पूरा अगर टर्न ले सकते हैं वेरी गुड। सूर्य का एक है कि इसमें रथ में एक ही व्हील होता है, तो जब आप अर्घ दे रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं चोट मत लगा लीजिए। अगर कर सकते हैं तो लेफ्ट पांव आपके जमीन पे रखिए और राइट वाले को आप पंजे पे रहिए। गृहस्थ आदमी के लिए इतना बहुत है, इट्स एनफ। अदरवाइज जो साधु संन्यासी होते हैं वो तो राइट पांव को घुटनों तक ले आते हैं, तो ये करिए और गुड़ उसके बाद में वो चढ़ा दीजिए। अब इसमें यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं जल चढ़ाते हुए। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये भी सिंपल मंत्र बोल सकते हैं। दूसरा है कि आदित्य हृदय स्त्रोत्र आपको याद हो तो, नहीं तो YouTube से आगे वहाँ पर सुन सकते हैं, उसको सुनते हुए वो जल चढ़ाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, आदित्य हृदय बाद में भी सुना जा सकता है। तो ये है कि बहुत सिंपल है, हम जब बच्चे थे जब से हम सीखते आ रहे हैं और करते ही आ रहे हैं, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप 24 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, 27 टाइम भी पढ़ सकते हैं, 40 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका जैसी श्रद्धा या जो पॉसिबल हो वो कीजिए। तो ये एक शॉर्ट में बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, मैं मेरे अभी काम को कर रहा हूँ पर साथ में ही मुझे मेरी डॉटर है जो एस्ट्रोलॉजर है तुषार चारण, उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जो छोटे शॉर्ट में जो कुछ भी है। और अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करिए, मैसेज करिए। मेरा नंबर है 9978627397। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरी डॉटर है वो भी बोलती है और मैं भी बोलता हूँ। तो ये शॉर्ट में सूर्य के लिए है, ऑल द वेरी बेस्ट। और सूर्य की आराधना वैसे भी हमें पूरे जीवन में करनी चाहिए, चाहे सूर्य अच्छा है और कमजोर है। जो एक उपाय होता है स्टोन्स पहनाने की बात, पर वो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप देख के ही कहा जा सकता, या मैं जनरल उपाय बता रहा हूँ आपको, आपके कहीं भी सूर्य है अच्छा है बुरा है तो भी ये उपाय बहुत काम के हैं, कारगर हैं, इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं। ये कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।